कितना वॉबल, देखो देखो यार कितना वॉबल कर रहा है यार, यार देखो यार कितना वॉबल कर रहा है। ऊपर से मेरा ओरेजो का जो शूज था वो पूरा भीग चुका है। हीटर है, चाय है एंड पकौड़े, बस और क्या चाहिए यार। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, दिस शोदीप एंड यू वाचिंग द क्रूज लाइफ। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। यस, आपका भाई अभी है पंजाब में एंड यू कैन थिंक यार कहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा है यार, कहाँ पे जा रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पंजाब से जर्नी शुरू करने वाला हूँ बाइक लेके। यस, फाइनली बाइक लेके टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। सो एनीवेज चलते हैं रस्ते पे, रस्ते में जाके पूरा डिटेल्स बताते हैं एक एक करके। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। एंड टाइम अभी हो रहा है 8:45 AM इन द मॉर्निंग। सो आज का जर्नी जो होने वाला है वो अराउंड 200-250 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स होने वाला है। सो एनीवेज यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मॉडर्न व्लॉगिंग मोड में आपसे मिलता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट टू दिस व्लॉग। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये रहा मेरा बाइक। बेसिकली ये रेंटेड है, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। लगेजेस आर पैक्ड एज यू कैन सी। मेरा दो रक्सक आएगा, एक लैपटॉप बैग आएगा, तो दोनों साइड में दो रक्सक लगा दिया एंड लैपटॉप बैग पीछे है। द थिंग इज राइट नाउ इट्स बिन रेनिंग यार, एक घंटा से खड़ा हूँ फिर भी बारिश कम नहीं रहा है। क्या करें सोच रहा है, और थोड़ी देर देख ले उसके बाद निकलेंगे। तो बेसिकली लेट्स वेट। राइड के शुरू में इतना बारिश है, क्या बोले यार। एनीवेज राइड स्टार्ट कर लिया, पूरा बारिश हो रहा है। ये जो है मैं हूँ लॉगेट में, लॉगेट यानी कि LPU जो कॉलेज है पंजाब में, फगवाड़ा, बेसिकली फगवाड़ा में हूँ। तो यहाँ से राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो द थिंग इज मेरे यहाँ पे एक दोस्त है, दोस्त के पास ही आया हूँ। अभी GoPro का अंदर घुसाते हैं, ठीक है, बाद में जब बारिश कमता है मैं आपसे मिलता हूँ। 2 hours later ओके, सो अभी सेकेंड ट्राई, पहला ट्राई भी अनसक्सेसफुल था यार। इतना बारिश हो रहा था, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा पूरा भीग गया एकदम, क्या बोले यार। सो उसके बाद वापस आ गया रूम पे। वापस आने के बाद अभी फिर से जा रहा है, अभी बज रहा है 1:30। तो बाइक में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पे सामने जहाँ से मैं रेंट लिया वहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। वहीं पे थोड़ा बाइक को चेक करवा लेते हैं कि कैसा, चेन में शायद तक आवाज़ आ रहा है। एनीवेज यार ये लॉगेट का रास्ता इतना घटिया है यार। ऊपर से मेरा ओरेजो का जो शूज़ था वो पूरा भीग चुका है, उसको मैं अलग से कैरी कर रहा हूँ एंड एक नॉर्मल स्पोर्ट्स शू पहन लिया मैं अभी। यही है वो होराइजन टूर्स एंड ट्रैवल्स, यहाँ से मैंने बाइक लिया था। चलो यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। बाइक को एक मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं टेस्ट करवाने की सब ठीक है या नहीं, क्योंकि ये जो पीछे से जो आवाज़ आ रहा था बहुत गंदा आवाज़ आ रहा था, पता नहीं। लेट्स सी, तब तक खाना वाना खा लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो बाइक फाइनली मेरे को मिल गया। जो दिक्कत आ रहा था वो है कि इसका बॉल बियरिंग में थोड़ा दिक्कत था, तो उसको चेंज करवा दिया। हाँ जी सर, ठीक है ना, पेट्रोल पम्प यहाँ सामने है तो ना। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से भरवा लेते हैं। ठीक है चलते हैं जी। हाँ एंड इट्स ऑलरेडी 220, पेट्रोल रिजर्व पे है, पेट्रोल भरवाना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, सामने है बर्गर किंग, इसके ही बाजू में है पेट्रोल पंप। बस 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 एकदम फुल हो गया, और मत डालो और मत डालो। हाँ हाँ कार्ड होगा। 1103 अभी हम आ चुके हैं ऑन द NH44, नेशनल हाईवे 44 टूवर्ड्स अमृतसर, ठीक है। तो बेसिकली मेरा प्लान था आज जाने का,
मैक्लियोरगंज, लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हो 230 ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो मैंने प्लान में थोड़ा चेंजेस ला दिया बिकॉज मैं वहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स में जो जहाँ से बाइक रेंट लिया वहाँ से भी मैं बात किया, तो वो लोग बोला कि इतना मतलब शाम को जाके कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो आप ठीक से व्यू देख नहीं पाओगे, ऊपर से रास्ता ख़राब है, मतलब पहाड़ी रास्ता है, सो रात को जाने का मतलब थोड़ा रिस्क हो जाता है। मैंने सोचा कि बाइक रेंट ले लिया आज के लिए, तो बेकार में आज का दिन अगर मैं मतलब कैंसिल कर दूँ तो मेरा बाइक का रेंट का पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो गोल्डन टेम्पल नहीं देखा तो मैं अमृतसर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अमृतसर में जाऊँगा तो एक तो है वाघा बॉर्डर, वो पता नहीं वो 5 बजे तक खुला रहता है, अभी 2:30 बज रहा है, अमृतसर है यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स के आसपास, तो 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तो 5 बजे के बाद ही जाके पहुँचेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी मैं जो बाइक चला रहा हूँ वो है रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350, ये PS3 मॉडल है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ABS वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम रॉ बाइक है, लेकिन ये पीछे वेट ज़्यादा है इसलिए मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए सामने पूरा कांप रहा है, वॉबल कर रहा है हैंडल, तो उतना स्पीड से नहीं जा पाएंगे, एंड ऊपर से ये जो है इसका स्पीडोमीटर भी ख़राब है, मतलब रेंटेड बाइक में थोड़ा बहुत ये सब दिक्कत आता ही रहता है, एनीवेज क्या करें अभी। तो ये जो बाइक है ये मेरे को मिला एट 1100 पर डे, मैं इसको सिक्स डेज के हिसाब में लिया, 6600 पेट्रोल मेरा खर्चा है। वेदर के बारे में बोलते तो वेदर देखिए आपको समझ में आ गया कि फुल्ली क्लाउडी है, ठीक है, धूप का कोई नामो निशान है नहीं, एंड अभी लास्ट मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो था 13 डिग्रीज। आप लोग सोच सकते हो यार ये पंजाब से मतलब घर कुछ बिहार में है, पंजाब से राइड शुरू कर रहा है या क्या कर रहा है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो है कि मेरा एक्चुअली दिल्ली में काम था, तो उस पर्पस में मैं दिल्ली तक आया था फ्लाइट से, ठीक है, मैंने सोचा कि बाइक से आ जाऊँ लेकिन नहीं आया, कुछ पर्सनल रीजन्स था, तो एनीवेज उसके बाद मैंने आ गया फ्लाइट से दिल्ली तक, दिल्ली से काम वाम करके मैंने सोचा कि इतना दूर अगर आ गया और पूरा साल कहीं पे भी घूमने नहीं गया, वहाँ से ट्रेन लेके आ गया पंजाब, बिकॉज पंजाब में मेरा दोस्त रहता है, तो उसके यहाँ पे आ गया, तो उसने बोला कि यहाँ से बाइक रेंट ले ले, यहाँ से बाइक रेंट लेके हिमाचल चले जा, तो ठीक है, मैंने भी वैसे ही कुछ सोच के रखा था, तो बाइक रेंट ले लिया मैं, एंड अभी जा रहा है टूवर्ड्स हिमाचल, तो यही प्लान है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जलंधर सिटी के बाहर, एंड यहाँ से अगर आप लोग जाना चाहते हो टूवर्ड्स मैक्लियोरगंज धर्मशाला, यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो, रामा मंडी है पीछे, मैं क्रॉस करके आया, रामा मंडी से राइट लेने से आप लोग डायरेक्ट एक स्ट्रेट रोड मिलता है, वो आपका डायरेक्ट चला जाता है धर्मशाला। यार भाई साहब क्या रास्ता है, क्या सीनरी है, मतलब पंजाब का खेत तो आप लोग को मालूम है। 80-90 मेरा एवरेज स्पीड आ रहा है, एंड टूवर्ड्स माई लेफ्ट एंड माई राइट कितना बढ़िया बढ़िया खेत है, अमृतसर 57 किलोमीटर्स, 20 है मोर, 14 अटारी है, 88। और अभी थोड़ा रुके थे बिकॉज आई वॉज फीलिंग कोल्ड, यार बहुत ठंडा है, थोड़ा रुके थे बिकॉज लिटरली मेरा हाथ फ्रीज हो गया था, सो ये ग्लव्स मैंने नया लिया है दिल्ली से, LS2 का है ये, वार्मर ग्लव्स है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, वैसे तो डिज़ाइन एंड लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी ये LS2 यहाँ पे लिखा है, एंड यार ये इतना वॉबल, देखो देखो यार कितना वॉबल कर रहा है, यार देखो यार कितना वॉबल कर रहा है, तो एनीवेज ये जो ग्लव्स है ये वार्मर ग्लव्स है LS2 का एज पर द कंपनी क्लेम्स, एंड अंदर जो है अंदर काफ़ी मोटा टेक्सचर है, तो काफ़ी अभी मतलब ठीक है, कम्फी लग रहा है मेरे को अंदर।
ओके, बाइक को यहाँ पे स्टेशन कर दिया है। तो अभी ये जगह पे रुका है A1 मलही ढाबा। एक्चुअली थोड़ा बहुत बारिश ड्रिजलिंग हो रहा था एंड थोड़ा ठंड भी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के खाना वाना खाते, खाना मतलब चाय कॉफ़ी पीते। अभी इसी चीज़ का ज़रूरत था। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर। बाहर थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग हो रहा है अभी भी, हीटर है, चाय है एंड पकौड़े, बस और क्या चाहिए यार। एक्चुअली ये जो हीटर है, मैं ये स्पेशली ऑर्डर करके सामने लाया हूँ, बिकॉज मेरा पैर वैर पूरा भीग गया था, तो अभी पूरा सूखा रहा हूँ। मेरा पैंट जो है ये सब में पूरा भीग गया था, सो थोड़ा सामने बैठ के पूरा चुस्ती मिल रहा है। तो थोड़ा गर्म होते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे टूवर्ड्स अमृतसर, जो कि है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 21 किलोमीटर्स। टेम्परेचर मैंने देखा है, वो टेम्परेचर है अभी 13 डिग्री सेल्सियस। सो यस, द प्लेस इज़ डैम कोल्ड आउटसाइड। एनीवेज, लेट्स कीप मूविंग। ऑलराइट, सो हो गया यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ का किस्सा कंप्लीट। अभी निकल रहा है टूवर्ड्स अमृतसर एंड टाइम हो रहा है अभी 5 PM, पूरा 5 PM, 21 किलोमीटर्स मोर। ये बारिश कम नहीं रहा है यार, ड्रिजलिंग होता ही जा रहा है। होटल में बहुत सारा देख लिया, अभी तक बुक नहीं किया कोई भी। यहाँ पे होटल का एक इशू आ रहा है कि अब पार्किंग का थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब उनसे पूछ रहा कि पार्किंग है या नहीं, वो लोग बोलता है बाइक पार्किंग हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रेमिसेस के अंदर, वो बोलते हैं नहीं, प्रेमिसेस के बाहर गेट के सामने, रिसेप्शन के सामने, रास्ते के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ। मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं यार। पहुंच गए हैं अमृतसर, सीधा चले जाते हैं टूवर्ड्स पठानकोट एंड ऑल। हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा, सर्विस रोड लेना पड़ेगा टू एंटर द सिटी। तो यहाँ से मोर 6 या 7 किलोमीटर्स है। बारिश तो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है यार। यार ये गेट तो देखो, इतना ऑसम लग रहा है, एकदम गोल्डन टेम्पल का रेप्लिका जो होता है ना ऊपर वाला पार्ट, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ शहर के अंदर घुसने से इसका पूरा वाइब्स चेंज हो गया, पूरा अलग सा ही लग रहा है। रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, वाई लेफ्ट फोर्स का शोरूम है, बहुत सारा शोरूम मिल गया यहाँ पे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली पहुँच चुका है हम टू अमृतसर। ये जो होटल देख पा रहे हो, ये है होटल शिराज कॉन्टिनेंटल। ये मेन मार्केट में ही है। लोकेशन में एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैं आप लोग को दे दूंगा, अंडर स्क्रीन दे दूंगा। तो बेसिकली ये जो आप रूम देख पा रहे हो, ये थोड़ा अंदर है, ठीक है, मतलब एक होटल है शिराज नाम का, उसके बाजू से एक गली घुसता है। गली घुसने के बाद एकदम स्ट्रेट। इस होटल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि इसका खुद का पार्किंग है, अंदर सेफ पार्किंग है, तो वही चाहिए था मुझे, मिल गया। तो एनीवे चलो अभी इसका एक रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इसका प्राइस कितना मिला। तो बेसिकली दिस इज द एंट्रेंस, एज यू कैन सी, यहाँ से घुसते ही इतना बड़ा एक रूम, मतलब ये सूट रूम से कुछ कम नहीं है। यू गेट सोफाज, यहाँ पे मेरा पूरा सामान, यू गेट अ नाइस ब्यूटीफुल बेड आउट हियर, हियर इज अ कॉफी स्टैंड एंड हियर इज मी अलॉन्ग विद द फ्रिज। ये थोड़ा पुराना टाइप का रूम है बट ठीक है, चल जाएगा। फ्रिज बंद पड़ा है। दिस इज अ वॉक इन क्लोजेट विच इज अ काइंड ऑफ न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज ऐसा कभी इतना बड़ा रूम में मैं कभी स्टे किया नहीं। अच्छा डील में मिल गया इसीलिए। चलो अभी ये हो गया रूम आपका, एंड आगे से क्या गया आपका बाथरूम। बाथरूम भी काफी स्पेशियस है। दिस इज अ शावर एरिया,
एंड दिस इज द टॉयलेट एंड द बेसिन. सो यस दिस इज इट. तो इस रूम का जो रेंट है बेसिकली, इस रूम का रेंट मेरे को मिला एट 1200 रुपीज ओनली. यू कैन सी द रूम इज क्वाइट स्पेशियस. पता है थोड़ा आउटडेटेड है लेकिन यार चल जाता है एक नाइट के लिए. दिस इज मोर देन एनफ. देख सकते हो पूरा वेट हो चुका हूँ, फिर से ड्रेंच्ड इन रेन. तो अभी ये सब खोल के थोड़ा सूखा कपड़ा पहन के थोड़ा रेस्ट लूँगा. उसके बाद सोच रहा हूँ कि थोड़ा निकलूँगा. आई एम प्लानिंग ऑफ गोइंग टू द गोल्डन टेम्पल एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी. बारिश अगर कम जाए तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. कल सुबह भी देख सकते हैं. तो एनीवेज आज का ब्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा. इतना तक ही है आज का ब्लॉग. कल से एक नया जर्नी स्टार्ट होगा. कल से स्टार्ट होगा जर्नी टुवर्ड्स द हिल्स. सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये सिर्फ शुरुआत था. कल से मेन चीज़ आने वाला है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग. आई होप यू हैव लाइक इट. अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर ठोक देना. एंड ऑल्सो उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना. सो विद दैट सेड, दिस वदीप साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्रूज लाइफ. कीप वॉचिंग. राइड हार्ड, राइड सेफ. As lost, as lost.